আপনারা দেখছেন ইনসাফ বাংলা। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। या आपको हमसे दुश्मनी रखकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ना है, दोनों कंडीशन में हम तैयार हैं। आप हमारे साथ आएंगी, हम तब भी चुनाव लड़ेंगे। आप हमारे खिलाफ होंगी, हम तब भी चुनाव लड़ेंगे। इंशाल्लाह लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आपको तय करना है। दुश्मन और दोस्त कौन है? हम आपके दुश्मन नहीं है, हम भी आपके साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आपको हमारे साथ लड़ाई लड़ना होगा। अगर आप हमको शक की निगाह से देखेंगे, आप हमें दुश्मन मानेंगे, तो हमें आपकी दुश्मनी कबूल है। हम दुश्मन के दुश्मन, दोस्त के दोस्त। अगर आप चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा। आप कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए परमिशन देती हैं, आप कम्युनिस्टों को चुनाव लड़ने की परमिशन देती हैं, आप फॉरवर्ड ब्लॉक को चुनाव लड़ने की परमिशन देती हैं, आप निर्दल उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की परमिशन देती हैं। सारी तकलीफ आपको मुसलमानों से हो गई। मुसलमानों के वोट तो चाहिए आपको, मुसलमानों के वोट से सरकार भी चाहिए आपको, मुसलमानों के वोट से मंत्रालय भी चाहिए आपको। लेकिन अगर मुसलमान हक मांग रहा है कि हमको इस मंत्रालय में हिस्सा दे दो, तो आप कहती हैं इनकी मीटिंग कैंसिल कर दो। आप मीटिंग कैंसिल कीजिएगा, हम सड़क पर उतरेंगे। आप मीटिंग कैंसिल कीजिएगा, हम आपके सामने बैठकर प्रदर्शन करेंगे, मीटिंग करेंगे। आप रोक सकती हो तो रोक लीजिए। दीदी, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी तंजीम है। जिस तरह से आप सियासत कर रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसी तरह से हमें भी हक है पूरे हिंदुस्तान में सियासत करने का। जिस तरह से आप चाहती हैं कि आपके विधानसभा में लोग जीत के आए, पार्लियामेंट में जीत कर आए, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग भी विधानसभा में जीत के आए, पार्लियामेंट में जीत के आए। हम में आप में थोड़ा सा फर्क है, हम में आप में थोड़ा सा फर्क है। आपके लोग अगर जीत के आएंगे और उसके बाद अगर वक्त पड़ जाएगा और मौका मिल जाएगा, तो आप बीजेपी से हाथ मिला लेंगी। लेकिन हमारी गारंटी है कि अगर हम जीत कर आएंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये हमारा किरदार है, वो आपका किरदार है। आप पहले बीजेपी के साथ हाथ मिला चुकी हैं, और हमने पूरी जिंदगी में कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया है। आप साबित हो चुकी हैं कि आप बीजेपी के साथ जा सकती हैं, और हम साबित हो चुके हैं कि हम जान दे देंगे, हम सब हार जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हम दीदी आपको इतना बताना चाहते हैं कि 2021 का विधानसभा चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। 2021 का चुनाव पूरे जज्बे से लड़ेंगे। 2021 का चुनाव इस बंगाल की सरजमीन पर असद साहब आकर खुद लड़ेंगे। हमें रोकना है तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, हमें रोकना है तो आपको हमारा हक देना पड़ेगा। अगर आप हमारे हक में कोताही करेंगी, आप हमें हमारा हक नहीं देंगी, तो हम हक छीन लेंगे आपसे। हमें पता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक सिपाही अपने आप में एक फौज है, अपने आप में एक फौज है। और हम लड़ना जानते हैं, हम जीतना जानते हैं। 2021 के चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं। हम जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, हमारे लोग बरसती हुई बारिश में, ओले में, तूफान में, कड़कड़ाती हुई धूप में सड़कों पर इकट्ठा रहते हैं, मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं। यह उसकी मिसाल है आज। अगर आप चाहती हैं कि बीजेपी को रोका जाए, तो आपको हमारी बात मानना होगी। अगर आप चाहती हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, तो आपको हमारी बात माननी होगी। अगर आप चाहती हैं कि बीजेपी कभी बंगाल में सत्ता में ना आए, सरकार ना बनाए, तो आपको असद ओवैसी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। हम आपको मजबूर कर देंगे। हमारा चुनाव तय है, अब आपको तय करना है कि आपको हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, या आपको हमसे दुश्मनी रखकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ना है।
दोनों कंडीशन में हम तैयार हैं। आप हमारे साथ आएंगी हम तब भी चुनाव लड़ेंगे, आप हमारे खिलाफ होंगी हम तब भी चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे।